राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने पुराने अंदाज में एक बार फिर से लौट चुके हैं और सीधे तौर पर लगातार जब से वो पटना आए हैं, यानी कि जब से लालू प्रसाद यादव स्वस्थ होकर पटना लौटे हैं उसके बाद लगातार वो बाहर घूम रहे हैं। सीधे तौर पर बीते दिनों वो अपने पैतृक आवास गए थे, उसके बाद कई बार मरीन ड्राइव गए, इस बार नवरात्र में भी लालू प्रसाद यादव ने कई जगहों पर जाकर माँ के दर्शन किए हैं और सीधे तौर पर एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज अपने राबड़ी आवास से निकल रहे हैं। राबड़ी आवास वो आवास है जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ रहते हैं और वहां से लालू प्रसाद यादव अपने रथ से रवाना हो चुके हैं। ये सीधी तस्वीर है राबड़ी आवास से जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने रथ से रवाना हो चुके हैं और राजद सुप्रीमो आज राबड़ी देवी के साथ छपरा के लिए रवाना हुए हैं। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव लगातार कहीं ना कहीं राजद को मजबूत करने में जुटे हैं और आने वाले समय में किस तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए इसको लेकर जनाधार क्या है ये भी जानने की कोशिश जो है वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं और आज वो छपरा के दौरे पर हैं। छपरा में वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इसको लेकर छपरा में भी तैयारियाँ कहीं ना कहीं तेज़ है। आज लालू जो है वो छपरा में रहेंगे और छपरा में सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सीधे तौर पर लगभग कई महीने हो गए जब लालू यादव कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात नहीं की। ऐसे में बीते दिनों जब वो अपने पैतृक आवास फुलवरिया गए थे तो वहाँ भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और एक बार फिर से अब छपरा में जो उनके कार्यकर्ता नेता हैं उनसे लालू यादव मुलाकात करेंगे और किस तरह से आने वाले समय में जो इंडिया गठबंधन है उसको मजबूत किया जाए, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत किया जाए और खासकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जनता क्या सोचती है, ये तमाम जो नब्ज है वो जनता के जो नब्ज है वो लालू प्रसाद यादव टटोलने की कोशिश करेंगे। सीधे तौर पर लालू यादव को बिहार की राजनीति का चाणक्य माना जाता है और लालू के बाद राबड़ी देवी भी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं और ऐसे में उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और आने वाले समय में उन्हें किस तरह मुख्यमंत्री बनाया जाए ये बातें जो है वो कहीं ना कहीं लालू यादव के मन में है और यही कामनाएँ जो है वो लेकर लालू यादव जो है वो माँ के दरबार में भी पहुँचे थे और कहीं ना कहीं अब यही कामना लेकर वो जनता के बीच में भी पहुँचे हैं और नब्ज़ को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो जनता है वो क्या कुछ चाहती है। और ये तस्वीर है जहाँ लालू प्रसाद यादव राजद के रथ पर सवार होकर छपरा के लिए रवाना हो गए हैं। कहीं ना कहीं अब लालू यादव जो है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे ताकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में काफ़ी सहूलियत हो और ऐसे में आज जनता का नब्ज़ टटोलने के लिए लालू जो है वो छपरा के लिए रवाना हो गए हैं। छपरा के सर्किट हाउस में लालू यादव विश्राम करेंगे और वहीं पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका फीडबैक भी जानेंगे कि आखिर उन्हें कोई परेशानियाँ तो नहीं हो रही, क्योंकि छपरा के जो सांसद हैं वो भाजपा कोटे से आते हैं तो छपरा की जनता क्या परेशान है, क्या उनकी परेशानियों का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तमाम बातें जो हैं वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जनता से जानेंगे। आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ।